फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स लाइफ। आज हम जानेंगे एक बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट के बारे में जो मैंने मंगवाया है अमेज़न से। देखिए, सर्दियों में तो मच्छरों का इतना प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि हम ओढ़ के रहते हैं। ओके, अभी समर्स आ गए हैं, उनको भी आराम से फ्री हम मिल जाते हैं, ओढ़ते नहीं है तो बहुत तंग करते हैं, राइट। और मच्छरों की वजह से हम लोग, एक तो नींद हराम होती है और कई सारी बीमारियां भी आती है, तो वी हैव टू स्टे सेफ, राइट। सो इसीलिए यही बात सोच के ना फ्रेंड्स, मैंने ये ऑनलाइन मंगवाया है। ये हालांकि मैं कई दिनों से देख रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुआ फ्रेंड्स कि ये कैसा होता होगा, क्या है। ऑफ कोर्स इट्स अ रिटर्नेबल प्रोडक्ट, आप 10 डेज में इसको नहीं पसंद आया तो आप रिटर्न कर सकते हैं। तो मैं ऐसे सोचती रहती थी, लेकिन मेरे बेटे का घर में मैंने देखा तो मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगा शायद, तो उन्होंने बोला कि, फिर मेरे बेटे ने भी बोला नहीं पापा, वो अच्छा काम करता है। मतलब वो लोग तो दो दो मंगवा लिए, कि अपने लिए एक, अब बच्चों के लिए। तो अभी भी मुझे ये नहीं पता कि प्रैक्टिकली ये कितना अच्छा है, क्या है। मतलब ये जो कवर रहता है ना फ्रेंड्स, पूरा ऐसे देखिए, ऐसे जैसे कवर है, तो अभी हर रोज इसको जिप निकाल के अंदर घुसना पड़ता है, जिप निकाल के बाहर आना पड़ता है, तो रोज बेड गंदा हो जाता तो उसको कैसे करें। इतना बड़ा निकाल के कहाँ रखे, क्योंकि कई लोगों के तो इतने बड़े कमरे भी नहीं होते ना, छोटे कमरा है, तो इतना बड़ा चीज कहाँ से, हर रोज फोल्ड करना क्या है, मुझे कुछ अंदाजा नहीं है इसके बारे में। चलिए, मैंने सोचा इसको अनबॉक्सिंग करूंगी, खोलूंगी, तो आप लोगों के साथ ही देखूंगी ये है क्या चीज। ओके, ये आया है शायद फ्रेंड्स कुछ 800 या 900 के रेंज में आया है। चलिए, इसमें इसमें सब कुछ, यहाँ पे जो लिटरेचर जो भी दिया हुआ है, सब कुछ चाइना में है, जापान में है, जापानीज में है कि चाइनीज लैंग्वेज में है, मुझे नहीं पता, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलिए साथ देखते हैं इसका क्या है। ओके, चलिए पहले हम ये निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। ये जो पॉलिथिन का जो पैक में आता है अमेजोन का, उसमें आया था, उसके बाद ये अच्छे से जिप दिया हुआ है यहाँ पे। ये जिप खोल खोल के हम, अगर अंदर रखना है कभी तो हम ऐसे जिप मार के बंद करके रख सकते हैं। फिलहाल तो हम खोलेंगे, ऐसे जिप खोलने के बाद एक ऐसा नेट मिला है जो लाइट व्हाइट एंड बेबी पिंक में है, काफी स्मार्ट सा लग रहा है। देखिए, चलिए देखते हैं इसको खोल के, चलिए देखते हैं इसको कैसे खोलना है। मैं, मुझे भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था फ्रेंड्स इसको कैसे करना है, क्या है। देखिए, एक डोरी सा दिया हुआ था, ऐसे फिक्स था, तो मैं जस्ट अटैच था तो निकाल लिया, उसके बाद मैं खोल दिया। देखिए, ये फट से ना एक टेंशन में रहता है वो वायर जो है, तो वो अपने आप खुल जाता है फ्रेंड्स, तो आपको ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, कुछ तामझाम भी नहीं है इसमें, तो आराम से खुल गया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूं, आधा तो खुल गया, फिर मैंने ऐसे थोड़ा सा उसको दोनों को सेपरेट किया ना, तो आराम से वो, देखिए आराम से खुल गया, अलग हो गए, क्योंकि मेरी थोड़ी सी छोटी सी हाइट है तो मुझे थोड़ा दिक्कत लगा। और अगर जेंट्स है, थोड़े टॉल फिगर्स है, तो वो तो आराम से शायद ये कर पाएंगे। देखिए, जैसे आप थोड़ा सा भी ऐसे से हिला रहे तो अपने आप ही वो खुल गया, ज्यादा मुश्किल नहीं है फ्रेंड्स। मेरे को ना लग रहा था कि, पता नहीं, डर लग रहा था। तो ये जो जिप वाला पोर्शन है वो साइड में आना चाहिए, क्योंकि आप साइड से ही चढ़ते हैं ना चारपाई पे, तो हाँ, वो जिप्स वाला पोर्शन साइड में रख लीजिए। फिर मुझे लगा कि शायद वो नेट को ना टक करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, आपके बेड के ऊपर, आपके बेडशीट के ऊपर एक लेयर नेट का भी आएगा, तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी है फ्रेंड्स। देखिए, मैंने सोचा वो सारा टक करना पड़ा, अगर आप टक नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट उसको ऐसे फैला के रख लीजिए। देखिए, मैं पिलोज के पीछे, ये उस तरफ कर लिया, ये इस तरफ कर लिया, पिलोज के थोड़े पीछे रख दिया। ये इतना अच्छे से टेंशन में रहते हैं ना फ्रेंड्स की, आराम से वो बैठ जाते हैं। देखिए, जैसे मैंने ऐसे उसको पीछे कर दिया, आराम से फिट हो गया वहां पे। बस आपको कहीं से कुछ नहीं टक करने की जरूरत है, बस आप ऐसे चारों तरफ फैला लीजिए अच्छे से। देखिए,
बस आप कल अभी आते हैं जिप्स की तरफ, जिप्स भी बहुत अच्छे हैं फ्रेंड्स, अंदर से भी है बकल्स और बाहर से भी है, क्योंकि आप अंदर यहीं से ना आप जिप खोल के अंदर चले जाएंगे और अंदर जाके भी आप बंद कर सकते हैं, अंदर की तरफ से भी दो बकल्स दिए हुए हैं, आराम से आप बंद कर सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल है और इनोवेटिव चीज है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा मुझे तो, मैं बहुत डर रही थी और मैंने फैन भी चला के देख लिया, अच्छे से हवा आ रही है, ऐसे भी नहीं, मुझे लगता है नेट्स में यही डर है, लेकिन देखिए अंदर जाके आप आराम से आप बंद कर लीजिए, हो गया। चलिए अभी देखते हैं इसको बंद कैसे करेंगे। तो मेरे को ना फ्रेंड्स ये साइड से मैंने ऐसे मोड़ के रखा, तो साइड से नहीं करना है, वो जहां आप पिलोज रखते हैं और ये रखते हैं वो दोनों तरफ से शायद मुड़ेगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं जस्ट ऐसे से घुमा रही हूँ ना फ्रेंड्स, वो टेंशन में है तो अपने आप ही मुड़ जा रहे हैं अच्छे से। देखिए मुझे लगा ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर डाल के उसको नीचे लाना पड़ेगा मुझे, देखिए जैसे मैंने ऊपर से दबाया तो एकदम वो दोनों ना क्लोज आ गए, देखिए कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई वैसे, देखिए हो गया ना ऊपर से, जैसे मैंने थोड़ा सा प्रेशर किया उसके बाद ये दोनों उसको, ये दोनों पिंक पिंक रिम्स दिख रहे हैं ना फ्रेंड्स, उनको पकड़ के ना मैं थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट किया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था, अपने आप मुड़ जाता है, देखिए मैं थोड़ा सा उसको प्रेशर दिया ऐसे ट्विस्ट किया तो एकदम से ना वो बंद हो गया, वो देखिए स्प्रिंग की तरह एकदम। अभी आप उसको जो जिप पाउच दिया है उसमें आप बंद करके रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे डाला है आपके सामने, फर्स्ट टाइम आई डिड दैट और अच्छा लगा ना, कुछ ज्यादा इतना डर लग रहा था ना फ्रेंड्स कि कैसे निकालेंगे कैसे, लेकिन वो ना थोड़ा सा आप ट्राई करके थोड़ा सा प्रेशर देंगे तो अपने आप मुड़ जा रहा है, आपको यू नीड नॉट वरी मच, ओके। तो मैंने सोचा था कि ये जो नेट का है ना फ्रेंड वो अलग नहीं है, मैंने सोचा ये नेट को आपने टक करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल जैसे बेड के ऊपर भी ना पूरा ऐसे नेट बिछा हुआ है, ओके, उसको आप टक करने की जरूरत नहीं। तो मुझे ये सबसे अच्छी चीज लगी है कि इसमें से अंदर घुस नहीं सकता कुछ भी, मतलब मच्छर घुसने का सवाल ही नहीं है, वंस यू जिप इट ना तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, मच्छर कहीं से भी घुसने का चांस ही नहीं है। बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स, लेकिन मेरे सबसे बड़े अभी चैलेंज है कि इसको धोना कैसे है आफ्टर अ पीरियड ना, इसको धोना कैसे है उसका भी कुछ ना कुछ आइडिया, मुझे लगता है जस्ट सर्फ वाटर में उसको थोड़ा थोड़ा ऐसे डुबा के कैसे, अब आई डोंट नो कैसे इसको घर में क्लीन करना है, मुझे अब तो आइडिया नहीं है फ्रेंड्स, वो देखना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा लगता है ये प्रोडक्ट तो आप भी खरीद लीजिए, मुझे तो अच्छा ही लगा, मैं तो रख ही लूंगी इसको, और मैं यही सोच के वीडियो बनाया कि क्या पता मेरे जैसे लोग कितने डर रहे होंगे, लेना है नहीं डायलमा में होंगे, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ओके। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, दिस इज ममता सेइंग बाय बाय।